दोस्तों हिंदी सिनेमा में कई तरह के कलाकार होते हैं। कई कलाकार अपने अभिनय कला के लिए प्रख्यात होते हैं तो कुछ अपनी सुंदरता को लेकर चर्चा में रहते हैं। और आज हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं वो अपने अभिनय से ज्यादा अपनी सुंदरता को लेकर चर्चित रही हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि उनकी सुंदरता ही उनकी पहचान रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सन 1988 में हिंदी सिनेमा में अपनी खूबसूरती और ग्लैमर अंदाज को लेकर फेमस हुई अभिनेत्री बख्तावर खान की, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके बोल्ड अंदाज और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में मिट्टी और सोना, आखिरी गुलाम, क्रोध, अजूबा और आत्मविश्वास शामिल हैं। लेकिन उन्हें असली सफलता फिल्म त्रिदेव से मिली। फिल्म त्रिदेव से फेमस हुई अभिनेत्री बख्तावर खान को हिंदी सिनेमा में सोनम के नाम से जाना जाता है। बख्तावर सोनम के जन्म का नाम था, लेकिन हिंदी सिनेमा में कदम रखते ही एक फिल्म के चलते फिल्म निर्माता ने उनका नाम बख्तावर से बदलकर सोनम रख दिया। तब से लोग उन्हें सोनम के नाम से ही जानते हैं। सोनम ने हिंदी सिनेमा में भले ही कम फिल्मों में काम किया हो, लेकिन उन्होंने अपने करियर के थोड़े से समय में बहुतों का दिल जीता है। अपनी बेहतरीन अदा और खूबसूरती के चलते सोनम अपने समय में कई दिलों की धड़कन हुआ करती थी। साथ ही हिंदी सिनेमा में उनका नाम कई बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ भी जोड़ा गया, जिनके बारे में आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा सोनम के प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके करियर और निजी जिंदगी के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करें सोनम की प्रारंभिक जीवन की, तो उनका जन्म 2 सितंबर सन 1972 को मुंबई में हुआ था। सोनम को बचपन से ही ग्लैमर की दुनिया अपनी ओर आकर्षित करती थी, इसीलिए उन्होंने बहुत ही कम उम्र में मॉडलिंग करने का निश्चय किया, जिसके बाद उनकी खूबसूरती और बोल्ड अंदाज की वजह से उन्हें जल्द ही फिल्मों के भी ऑफर आने लगे। सोनम का नाम उनके माता पिता ने बख्तावर रखा था, और सोनम उनका स्क्रीन नाम है जो कथित तौर पर यश चोपड़ा द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में अधिक बिक्री योग्य होने के लिए गढ़ा गया था। बात करें उनके करियर की, तो सन 1988 की फिल्म विजय में यश चोपड़ा द्वारा लॉन्च किए जाने के बाद उन्होंने पहली बार बॉलीवुड उद्योग में प्रवेश किया। फिल्म को विशेष सफलता तो नहीं मिली, लेकिन फिल्म में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार शामिल रहे, जिनमें अभिनेता राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, अनुपम खेर जैसे कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और अपनी पहली ही फिल्म में इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करना ही हिंदी सिनेमा में एक बहुत बड़ी सफलता है। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई, लेकिन इस फिल्म के बाद सोनम को और भी कई फिल्मों के ऑफर आए, जिसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें आखिरी गुलाम, आखिरी बाजी, आखिरी अदालत जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन उन्हें इन फिल्मों से भी कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई, जिसके बाद सोनम सन 1989 की फिल्म त्रिदेव में नजर आई, जिसके लिए उन्होंने खूब प्रसिद्धि हासिल की। इसके साथ फिल्म के लोकप्रिय गीत ओए ओए तिरछी टोपी वाले को उन पर चित्रित किया गया था। गाने की सफलता से सोनम रातों रात फेमस हो गई। इस गाने के बाद लोग उन्हें ओए ओए गर्ल कहकर बुलाने लगे। साथ ही सोनम इस फिल्म में अपने पहनावे और किसिंग सीन को लेकर भी काफी चर्चित रहीं। राजीव रॉय द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अभिनेता सनी देओल, नजीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, संगीता बिजलानी, अनुपम खेर और अमरीश पुरी जैसे सितारे मौजूद रहे। फिल्म में सोनम ने खूब बोल्ड सीन दिए। वो अपनी फिल्मों में छोटे छोटे कपड़े पहनने से तनिक भी नहीं कतराती थी, और दर्शक उनके इसी अंदाज को देखने के लिए सिनेमा हॉल के बाहर लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े रहते थे। बड़ी बात तो ये थी कि इस फिल्म में इतनी बड़ी बड़ी अभिनेत्री और अभिनेता के होने के बावजूद भी सोनम ने अपनी खूबसूरती और अभिनय के चलते अपनी एक बेहद गहरी छाप छोड़ी। त्रिदेव के बाद भी इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें अपनी किसी भी फिल्म से वो सफलता हासिल नहीं हो सकी जो त्रिदेव से हुई। इनकी फिल्में भले ही सफल ना रही हो, लेकिन सोनम के प्रशंसकों में कभी कोई कमी नहीं आई। उस दौर में उनके चाहने वालों की लाइन लगा करती थी। फिल्म त्रिदेव के बाद इन्होंने राजीव रॉय की फिल्म विश्वात्मा में काम किया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। साथ ही सोनम के अभिनय को भी बेहद सराहा गया। फिल्म में सनी देओल, चंकी पांडे, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, अमरीश पुरी जैसे दिग्गज कलाकार मौजूद थे। हिंदी सिनेमा के अलावा उन्होंने तेलुगु और बंगाली फिल्मों में भी अभिनय किया।
सोनम सन 1988 से 1994 के दौरान 30 से अधिक फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें मिट्टी और सोना, सच्चाई की ताकत, आसमान से ऊंचा, गोला बारूद, हम भी इंसान हैं, क्रोध, नाकाबंदी, मदिरा, चोर पे मोर, आज के शहंशाह, अपमान की आग, रईस ज्यादा, स्वर्ग जैसा घर, अजूबा, दुश्मन देवता, फतेह, अजूबा कुदरत का, दो मतवाले, बाज, पुलिस वाला, इंसानियत जैसी कई फिल्में शामिल हैं। अपने फिल्मी करियर के दौरान उन्हें चंकी पांडे, गोविंदा, चिरंजीवी और नसीरुद्दीन शाह जैसे अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया। बात करें इनके पारिवारिक जीवन की तो उनके पिता का नाम मुशीर खान और मां का नाम तलत खान है। सोनम अपने माता पिता की इकलौती संतान है, उनके कोई भाई बहन नहीं है। इसके अलावा वो रिश्ते में अभिनेता रजा मुराद की भतीजी लगती हैं। बात करें इनके निजी जिंदगी की तो उन्होंने सन 1991 में निर्देशक राजीव रॉय से शादी की। सोनम की राजीव से मुलाकात त्रिदेव फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई और तभी से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। राजीव ने सोनम के साथ दो बहुत ही सफल फिल्मों त्रिदेव और विश्वात्मा में निर्देशित किया था। सोनम ने बहुत ही कम उम्र में शादी की थी और शादी की खबर सुनकर उनके प्रशंसक अचंभित होकर रह गए कि सफलता की चरम सीमा पर पहुंचकर उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया। शादी के कुछ ही समय बाद सोनम ने फिल्मों में काम करना भी छोड़ दिया और राजीव के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगी। राजीव सफल फिल्म निर्माता गुलशन रॉय के बेटे हैं, जो कि बैनर त्रिमूर्ति फिल्म्स के संस्थापक हैं। सोनम जहां मुस्लिम थी, वहीं राजीव और उनका परिवार पंजाब के हिंदू थे। शादी के बाद सोनम ने एक्टिंग छोड़ दी और खुद को अपने परिवार के लिए समर्पित कर लिया। दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम गौरव राव है। कहा जाता है कि जब बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड माफिया की चपेट में था, तब सोनम गैंगस्टर अबू सलेम के दबाव में आ गई। सन 1997 में संगठित अपराध नेता अबू सलेम के लिए काम कर रहे बंदूकधारियों द्वारा राजीव को धमकी मिलने के बाद सोनम को अपने पति और बेटे के साथ भारत छोड़ना पड़ा। दंपति शुरू में लॉस एंजलिस चले गए और फिर लगभग दो दशकों तक स्विट्जरलैंड में बस गए। हालांकि अंडरवर्ल्ड से उनके द्वारा सामना की जा रही परेशानियों और पेशेवर निराशाओं के कारण शादी बिगड़ गई, क्योंकि वो दोनों भारत में अपने संबंधित करियर को खत्म नहीं कर सके। सन 2016 में 15 साल के अलगाव के बाद सोनम और राजीव रॉय ने आखिरकार तलाक ले लिया। कहा जाता है कि दोनों ने बहुत पहले ही डिवोर्स लेने का फैसला ले लिया था, वो बस अपने बेटे के बड़े होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गौरव समझदार हुए, उनकी रजामंदी से दोनों अलग हो गए और कुछ ही समय बाद सोनम ने सन 2017 में मुरली पोडवल से शादी की, जिन्हें सोनम पहले से जानती थी। यहाँ तक कि मुरली ने ही सोनम और राजीव के डिवोर्स में सोनम की मदद की थी। सोनम पांडिचेरी में मुरली से मिली और जल्द ही में दोनों को प्यार हो गया और उन्होंने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। 14 अप्रैल 2017 को ऊटी में एक अतरंग निकाह समारोह में शादी की। सोनम के पति मुरली अपने बेटर हाफ की तरह ही एक तलाकशुदा और पेशे से बिजनेसमैन है। इन दिनों सोनम अपने पति मुरली के साथ इंडिया में ही रहती हैं। उनका फिल्मों में वापसी करने का कोई इरादा नहीं है, वो अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। इनका हिंदी सिनेमा में बहुत अच्छा योगदान रहा है। उन्होंने भले ही बहुत कम फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनके बेहतरीन अंदाज और अभिनय को हमेशा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।